Hello students in this video we will discuss theme 6 chapter number 6 energy and power resources student in this video you will going to learn about renewable sources of energy and non-renewable source of energy then important multi-purpose projects of India and conservation of power resources now what is power resources सो स्टूडेंट्स डू यू थिंक कैन वी रन आर कंट्री विदाउट पावर क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना डीजल के बिना पेट्रोल के बिना हमारी कंट्री रन कर सकती है नो ठीक है पेट्रोल डीजल नहीं आएगा ट्रक चलने बंद हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी सारे ऑफिस सारी मशीनरी में काम रुक जाएगा सो इन दिस वे वी कैन सी दैट पावर इज वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ टूडेज वर्ल्ड आज की दुनिया की अगर हम बात करें तो इन टूडेज वर्ल्ड आर नॉट एबल टू रन विदाउट पावर ठीक है हम बिल्कुल चल ही नहीं पाएंगे पाए पावर फॉर्म बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन किसी भी नेशन के डेवलपमेंट की बैकबोन जो है वो क्या ही है बच्चा पावर रिसोर्सेस ही है ठीक है अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें स्टूडेंट तो दे हैथिंग इवन दे आर सफरिंग फ्रॉम वॉटर शॉर्टेज ऑफ वॉटर सॉइल ऐसी है जिसपे आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते हैं ठीक है मतलब क्या है वो तो जो सऊदी अरेबिया है पूरा डेजर्ट एरिया है है ना देन टू दे आर द richest people in the world why so because of concentration of power resources पेट्रोलियम डीजल भर भर के है उनके पास है ना चलो सो फॉर रिसोर्सेज जिससे हम पावर जनरेट कर पाए उन्हें बोलते हैं पावर और एनर्जी रिसोर्सेज अगेन लिसन वेरी केयरफुली जनरेट पार जिसके थ्रू भी आप पार जनरेट कर पाओ उसे आप पार या एनर्जी रिसोर्स बोलेंगे ठीक हैल गैस वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वाटर से न्यूक्लियर फ्यूल सोलर एनर्जी विंड दीज आर मेन सोर्सेस ऑफ पार पार के मेन सोर्सेज अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस वॉटर न्यूक्लियर फ्यूल सोलर एनर्जी या देखो जो फिंट है इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं सोलर एनर्जी से सोलर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है थ्रू सोलर पावर प्लांट न्यूक्लियर फ्यूल्स वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस कोल पेट्रोलियम ध्यान रखना ठीक है चलो नाउ स्टूडेंट्स वी कैन क्लासीफाई ऑल द कैन

डांग आप लोगों ने देखी होगी ना गोबर के कंडे जो बनते हैं जिनसे भी गांव में आप लोगों ने देखा होगा लिट्टी चोखा बनता है उसके ऊपर गोबर के कंडे पत सुना होगा नहीं सुना होगा तो मम्मी से पूछना वो बता देंगे आपसे तो सिंस लॉन्ग बी वर यूजिंग कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस फॉर वाटर फायर वुड फॉर जनरेटिंग पार सो दीज आर कन्वेंशनल सोर्सेज ना वॉट अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सो नॉन आर विच वी स्टार्टेड यूजिंग फ्रॉम फ्यू डिकेट्स बस पिछले दस बीस सालों से पचास सालों से ही हम इनका यूज कर रहे हैं जैसे कि सोलार पावर विंड एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूल पहले हम इनका यूज नहीं करते थे चलो फिर से देखते हैं हम so, सो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दो में क्लासिफाई कर सकते हैं आप एनर्जी और पावर रिसोर्सेज को कन्वेंशनल में आएगा कोल पेट्रोल नेचुरल गैस फायरवुड कैटल फायरवुडल कोल पेट्रोल नेचुरल गैस को आप फॉसिल फ्यूल्स बोलते हो ठीक है कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस को आप बोलते हो फॉसिल फ्यूल क्योंकि ये आपको मिलेगा डेड रिमेन्स प्लांट एंड एनिमल्स से जब हमारे प्लांट और एनिमल जमीन के नीचे दब जाते हैं और बहुत टाइम तक दबे हुए रहते हैं बड़ी अंडर द अर्थ और एक टाइम के बाद वो में कन्वर्ट कर जाते हैं बच्चे पेट्रोलियम कोल नेचुरल गैस में विद द एक्सेप्शन ऑफ वाटर वाटर नहीं द कन्वेंशनल सोर्सेज कॉजेज पल्यूशन जो कन्वेंशनल सोर्सेज है बच्चों पल्यूशन करते हैं आप लोगों ने देखा होगा अगर हम लकड़ियाँ जलाते हैं फायरवुड या कंडा जलाते हैं तो धुआँ होता है है ना नैचुरल uh, गैस कुछ हद तक नहीं होती हैं पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जैसे एल पी जी वगैरह कहाँ पोल्यूशन फैलाती हैं कोल से होता है कोयला जलाओगे धुआं होगा पेट्रोलियम से भी धुआं होता है ठीक है तो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं और एग्जॉस्टेबल है एग्जॉस्टेबल मीन्स एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे जैसे अभी हम इंडिया में कोल क्राइसिस फेस कर रहे हैं कि जितना भी हमारा कोल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा पेट्रोलियम खत्म हो सकता है नेचुरल गैस खत्म हो सकती है तो ये एक्सॉस्टेबल है एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे इसीलिए हमें इनका जुडिशियस यूज करना चाहिए और वी हैव टू यूज देम जुडिशियसली नहीं तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन या आने वाली जनरेशन को ये रिसोर्सेस नहीं दे पाएंगे देन नॉन कन्वेंशनल तो नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या आएगा बच्चा न्यूक्लियर फ्यूल सोलर पावर विंड जियोथर्मल पावर टाइड्स एंड बायोगैस ठीक है देखो पहले जो काउडंग होता था उससे आप आ, केक बना लेते थे मतलब कंडे बना लेते थे काउडंग और फिर उनको जलाते थे पर अब क्या होता है एक गोबर गैस प्लांट बनता है जिसमें आप सीधे अः गोबर गैस प्लांट बोल रही हूँ बायोगैस प्लांट जिसमें आप सीधे यहाँ पर जो गाय का गोबर होता है जो डंग होता है उसको डाल दें और यहाँ पर ऐसे डोम शेप का होता है यहाँ पर से आप अपने घर में गैस कनेक्शन ले सकते हैं कैन यू इमेजिन कि आप यहाँ पर एक छोटी सी टंकी होती है फिर यहाँ पर ऐसा डोम बना होता है और यहाँ पे वेस्ट स्लरी जो वेस्ट फाट निकलता है तो यहाँ पर जब आप गाय का गोबर और जितना भी आपके घर में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सब इसमें डालेंगे धीरे से ये इस डोम में जाएगा और डोम में एक ऐसे पाइपलाइन होती है जो आपके घर के गैस चूल्हे से जुड़ी होती है जैसे हमारी एल चलती है ना जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वैसे ही बायोगैस भी हो सकता है तो बायोगैस हो गई टाइट्स आप लोगों ने देखा होगा हर दिन हर जगह एक बार हाई टाइड और एक बार लो टाइड आती है तो टाइड से भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो जियोथर्मल पावर मतलब धरती के अंदर से जो एनर्जी निकलती है उससे पावर जनरेट हो सकती है न्यूक्लियर फ्यूल और सोलर तो सबको पता ही है क्योंकि मैक्सिमम होटल्स और रेलवे स्टेशन पे सोलर पावर पैनल लग चुके हैं और विंड के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब हम लोग राजस्थान वगैरह या बहुत आपके नियर बाय एरिया में भी जाते होंगे तो ऐसे आपको मिलते होंगे ना जो चलती रहती है कंटिन्यू इस यहाँ पे भी इसके थ्रू भी पावर जनरेट की जा सकती है ये न्यू है बचा जिनको अभी हमने यूज करना स्टार्ट किया है ये सस्टेनेबल है नेचर में अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल्स को छोड़ दें तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो इनएक्टेबल हैं। सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल इसमें एक्सेप्शन है अदरवाइज ऑल द सोर्सेज मींस टाइड्स बायोगैस जियो थर्मल सोलर Uh, ये सब आप क्या कर सकते हो बच्चों एग्जॉस्टिबल uh, नहीं है ठीक है इन एग्जॉस्टिबल है मतलब आप इनको बार बार यूज़ करते जाओ बारिश बार बार पड़ती जाएगी सूरज की रोशनी कंटिन्यू मिलती जाएगी हवा कंटिन्यू चल रही है धरती के अंदर से एनर्जी आपको मिलेगी और जब तक कैटल्स है तो गोबर भी आपको मतलब काउडंग भी आपको मिलता रहेगा ठीक है तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो इनएक्जॉस्टिबल है मतलब ख़त्म नहीं होंगे आसानी से Do not cause any pollution, और डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन और इनसे पल्यूशन भी नहीं होता है ना ऑन द बेस ऑफ रीनएबिलिटी रीनबल मतलब रीन्यू मतलब वापस से आ जाने वाले तो रीनूएबलिटी के बेसिस पर भी हम जो एनर्जी और पावर रिसोर्सेज हैं उनको रीनीएबल और नॉन रीनबल में डिवाइड कर सकते हैं रीनएबल एनर्जी रिसोर्स वो हैं जो रेपलनिश हो जाते हैं और कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे फिर से सुनो रिन्यूएबल रे, एनर्जी रिसोर्सेज आर दोस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो है बच्चा जो रिप्लेनिश हो जाएंगे वापस मिल जाएंगे वापस आ जाएंगे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड तो और खत्म नहीं होंगे यूज करने के बाद भी जैसे वाटर साल बारिश होती है कितनी बार हमें हम हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है इस दिस ईयर विल रिसीव लेस रेन देन टू हम इतना रेन रिसीव कर लेते हैं बच्चा कि हमारा वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा ये तो हमेशा फ्लड प्रोन होते हैं हमेशा ही बाढ़ आ जाती है यहाँ पे बांग्लादेश इवन बांग्लादेश इज़ नॉट देयर इन इंडिया देन टू इट्स अ सेपरेट कंट्री पर वो भी पूरा फ्लड से परेशान हो जाती है तो पानी खत्म नहीं होता हवाएं इस तो इससे चलती हैं सूरज अभी हम लोग देखते हैं गर्मियों में भाई फोर्टी एट फोर्टी सेवन डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है तो सोलर हम लोग हर साल देख रहे हैं ना साल दर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाली हवा हमेशा चलेगी टाइट जब तक ओशन आती रहेगी बायोमास जियोथर्मल एनर्जी तो ये सब रिन्यूएबल है जितना भी आप यूज़ कर लो खत्म नहीं होंगे पर बेटा वाटर का जुडिशियस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मशीनें चल रही हैं पर वाटर से हम चल रहे हैं है ना तो पीने के लिए भी पानी चाहिए प्योर ड्रिंकिंग वाटर चाहिए तो वाटर को थोड़ा जुडिशियसली केयरफुली यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन नॉन रिनीबल एनर्जी रिसोर्सेज तो नॉन रिनेबल एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं बच्चा जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाएंगे इन इनएजॉस्टेबल जो कभी ख़त्म ना हो एक्जॉस्टेबल जो ख़त्म हो जाए अगर एक बार आप यूज़ करोगे उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे जैसे हम लोग घर में जो एल पी जी का सिलेंडर लेके आते हैं बच्चा वो ख़त्म हो गया मीन्स खत्म हो गया उसके जहाँ पे भी उसका जो मेन रिसोर्सेज है हो सकता है एक टाइम के बाद वो वेल्थ से जहाँ से नेचुरल गैस निकल रही वो वेल्थ से भी नेचुरल गैस ख़त्म हो जाए क्योंकि ये रिप्लिनिश नहीं होते हैं ना तो जो ऑयल वेल well है जिसके अंदर से अभी तक हम तेल या पेट्रोल निकालते आ रहे हैं हो सकता है उससे वो तेल पेट्रोल खत्म हो जाए तो ये एग्जॉस्टेबल है एक टाइम के बाद पूरा खत्म हो सकते हैं एग्जॉस्टेबल में कौन कौन सी चीजें आएंगी कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस को न्यूक्लियर फ्यूल नाउ स्टूडेंट्स विल रीड डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल रिन्यूएबल एंड नॉन रिसोर्सेज तो अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये रिन्यू हो जाएंगे बच्चा है ना आफ्टर यूज और रिसाइकल्ड हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ना ही तो रिसाइकल होंगे ना ही तो रीन्यूड होंगे कैन नॉट भी रीन्यूड और रिसाइकल फिर अगर हम बात करें रिन्यस्टेबल तो inexhaust, है मतलब खत्म नहीं होते ये एग्जॉस्टेबल है कोल पेट्रोलियम डीज पेट्रोलियम कोल पेट्रोलियम का लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है बच्चा एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा रिन्यबल रिसोर्सिस नॉन पॉल्यूटेंट है जैसे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी हाइड्रोलैक्ट्रिसिटी ये क्या है नॉन पोल्यूटेंट है और कोल uh, पेट्रोलियम का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं ये फाउंड इन अबेंडेंस सोलर एनर्जी मैंने अभी बताया ना आपको वो भाई गर्मियों में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है आजकल पूरा टाइम आपको सूरज uh, मिल ही जाएगा दिख जाएगा तो ये अबेंडेंस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और ये लिमिटेड इनकी ये हर जगह मिल जाते हैं ये किसी किसी फिक्स प्लेस पे जैसे पेट्रोलियम के लिए हमें सऊदी अरेबिया पे डिपेंड करना पड़ता है बिकॉज वी आर लैकिंग विद द हमारे पास तो हमारी ट्वेंटी परसेंट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए उतना ही रिसोर्सेज एक बॉम्बे हाई दिग्बो या बस बाकी तो हम पूरा पेट्रोलियम क्या कराते हैं इम्पोर्ट कराते हैं पर हमारे पास सन की विंड की water की वाटर कोई कमी नहीं है इट मीन्स दे आर फाउंड एवरीवेयर एंड दे आर फाउंड एट प्लेसेस फर्स्ट विलकर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सिस पहले सोलर सोलर एनर्जी बहुत अबेंडेंटली अवेलेबल है बच्चों ट्रॉपिकल कंट्रीज में अवेलेबल है देखो ये रहा पूरा अर्थ ये रहा सन तो ये वाला जितना भी रीजन है यहाँ पर आपको एम्पल क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में सनलाइट लाइट मिल जाएगी बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इस वाले रीजन में फ्रिजिट जोन में बस यहीं पर नहीं मिलेगी बाकी इस एरिया में भी इस एरिया में भी आपको सनलाइट प्रॉपर मिल जाएगी अबेंडेंट क्वालिटी में मिल जाएगी फिर सोलर सेल्स बेस्ड ऑन फोटोवोल्ट टेक्नोलॉजी आर यूज टू कन्वर्ट सन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी सन एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो आपको क्या चाहिए आप होंगे ना पैनल यूजेस सोलर एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हो डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पजेस के लिए ये सोलर हीटर ऑपरेट कर सकती है सोलर कुकर और सोलर ड्रायर सोलर हीटर सोलर कुकर और सोलर ड्रायर्स ये कम्युनिटी लाइटिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी सोलर लाइटिंग का यूज़ हो सकता है मेरिट्स क्या है चीप है रिन्यूएबल है ख़त्म नहीं होगा इनएजॉस्टेबल मतलब ख़त्म नहीं होगा तो चीप रिन्यूएबल मतलब वापस से दूर रोज़ रोज़ मिलता जाएगा रोज़ सुबह उठो सूरज आ जा जाएंगे फिर कल सुबह उठो फिर सूरज मिल जाएंगे तो चीप है रिन्यूएबल है इनएजॉस्टेबल है खत्म नहीं होगा वापस रीन्यू हो जाता है और सस्ता भी है नॉन पोल्यूटेंट है कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता लो कॉस्ट है उसको मेंटेन करने की हमने भी हमारे घरों में घर सो, में सोलर पैनल लगाया है बिल्कुल मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल लो है इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर देता है हमारा हो गया बहुत ज़्यादा कम बिल आता है अदरवाइज़ हम लोग जब समर्स होती थी उसमें जब ए चलाते थे तो बिल बहुत ज़्यादा फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड आता था बच्चा पर अब जब से हमने सोलार पैनल लगवा लिया है तो बिल बिल्कुल वन थाउजेंड टू थाउजेंड की रेंज में ही है डीमेरिट्स क्या है जो इनिशियल इंस्टॉलेशन का कॉस्ट होता है वो फेयरली हाई होता है हम लोगों को इनिशियल इंस्टॉलेशन में टू लाख रुपीस लगे थे ठीक है और उसमें भी अभी हम लोगों ने फिफ्टी परसेंट छत को कवर किया है सोलर पैनल से ठीक है अगर और पूरा करेंगे तो थोड़ा सा चार्जेस और बढ़ जाएंगे तो वन टाइम जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है वेदर पे डिपेंड करेगा जैसे जब बहुत ज़्यादा इंटेंस विंटर होगी या रेनफॉल ज़्यादा होगी तो फिर ये बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाती फिर हमको हमारी इलेक्ट मतलब जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उसको यूज़ करना पड़ता है डिपेंड्स ऑन वेदर क्लाउडी रेनी डेज इट इज़ नॉट इफेक्टिव क्लाउडी और रेनी डेज में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है लॉट्स ऑफ स्पेस चाहिए इसके इंस्टॉलेशन है लॉट्स ऑफ स्पेस क्या बच्चा आज सबके घरों में छत होती है और छतों में ऊपर आप इजीली निकलवा लगवा सकते हैं तो ठीक है अगर ये बोल रहे हैं कि लॉट्स ऑफ स्पेस चाहिए तो लिख देना कि चाहिए बाकी अगर आप लोग विजिट करेंगे हमारे घर को तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि सोलर पैनल बिल्कुल ऊपर छत पर लगे हुए हैं तो वो तो स्पेस क्या ही लेते हैं अच्छा कोई स्पेस नहीं लेते अच्छा वो कंट्री जहाँ पर हाइएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है जर्मनी इटली चाइना एंड यूएसए इसके अलावा फ्रांस स्पेन इंडिया भी सोलर एनर्जी को यूज़ करें इंडिया में जैसे अगर हम बात करें सोलर एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट है कर्नाटक और राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा यूपी एम एंड आंध्र प्रदेश एक्सक्यूज मी बच्चा नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर बच्चा वो पावर जो हमें वाटर से मिले वाटर से जो हम पावर जनरेट करेंगे उसे हम हाइड्रो पावर कहते हैं ये भी रिन्यूएबल सोर्स है नॉन पॉल्यूटेंट है चीपेस्ट सोर्स है Fourth, जो वर्ल्ड की पावर रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ही पूरी हो पा रही है अब फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को डेवलप करेंगे फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पावर पहला इन अ रेन होनी चाहिए एंड स्नो सो एज टू फीड द रिवर्स अ पेरिनियल सप्लाई ऑफ वाटर बच्चा अगर पानी से बिजली आपको बनानी है तो अब इसी बात है ना पानी तो अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हो है ना तो रिवर को फीड कराने के लिए अच्छी खासी रेन हो अच्छी स्नोफॉल हो तभी तो पेरिनियल सप्लाई रहेगी पूरा टाइम पानी मिलता रहेगा फिर माउंटेन्स बहुत आइडियल प्लेस है वाटर पावर को डेवलप करने के लिए माउंटेन्स आर द आइडियल प्लेस डेवलपमेंट ऑफ वाटर पावर <coughs> अगर कोई नेचुरल सोर्स नहीं है आपके पास जैसे कोल पेट्रोलियम तो आप हाइड्रल पावर को डेवलप कर सकते हैं और करना ही चाहिए क्योंकि अबिनमेंट में वाटर हमारे पास अवेलेबल है, बच्चा आज हाइड्रल पावर की बहुत ज्यादा डिमांड है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो कंजम्पशन सेंटर्स के पास ही बनाए जाते हैं जिससे कि जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का वो थोड़ा सा कम हो जाए नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको इस तरीके के आप लोगों ने देखे होंगे ना पोल्स इंस्टॉल होते हैं और इस तरीके की तीन लाइन जानी पड़ती है तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा आसान काम नहीं है बच्चा कॉस्टली अफेयर भी है तो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो कंजम्पशन सेंटर है उसी के पावर उसी के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर सेंटर्स बन जाए इसका भी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है किसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर सेंटर्स का मैरिट्स से है इनएक्टेबल है और रिन्यू किया जा सकता है नॉन पॉल्यूटेंट है इनएक्टेबल कभी खत्म नहीं होगा रिन्यू हो जाता है नॉन पॉल्यूटेंट है वो कंट्रीज़ जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को हार्नेस किया जा सकता है वो हैं नॉर्थ अमेरिका यूरोप जापान यूएसए ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की इसके अलावा कनाडा रसिया स्कैंडिनेवियन कंट्री स्विट्जरलैंड फ्रांस इटली जापान ये भी मेजर प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के इंडिया में नंगल डैम हीराकोट डैम नीरा नागार्जुन सागर जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हमारे इंडिया में कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे से काम करें नंगल हीराकोट और नागार्जुन सागर नल्टीपर्पज ना प्रोजेक्ट इन इंडिया तो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है बच्चा पहली बात तो उन्हें मल्टीपर्पज क्यों बोलते हैं क्योंकि एक बार आप डैम बनाएंगे तो उसमें फिशिंग भी भी होगी होगी फिश ब्रीडिंग भी हो उस डैम से उस पर्टिकुलर प्लेस की सीनिक ब्यूटी भी, भी बढ़ जाएगी टूरिज्म बढ़ जाएगा लोग डैम घूमने जाते हैं फिर इसी डैम में वाटर का रिजर्वर बन जाएगा जो एक्सट्रीम टाइम में जब पानी सप्लाई नहीं होगा तब हमें देगा फिर ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेंगे है ना फिर इरिगेशन के लिए पानी भी देंगे तो इतने सारे पर्पस होते हैं एक मल्टीपर्पस डैम के इसी इसे क्या कहा जाता है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इरिगेशन के लिए पानी देगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वाटर को रिजर्व करके रखेगा फ्लड को कंट्रोल करेगा तो इसीलिए इसको क्या करें हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट सो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स आर दोस्त विच हैव मिनी फोल्ड और मिनी पर्पज जिनके बहुत सारे पर्पजेज हो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट हेल्प करता है किसी भी रीजन को डेवलप करने में पहला जितने ज़्यादा डैम्स होंगे रिजर्वायर होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास पानी स्टोर रहेगा जितना ज़्यादा पानी स्टोर रहेगा हम उतनी इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर सकते हैं कैनल्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं डैम्स के ऊपर रिजर्वायर के ऊपर जो इरिगेशन मतलब सिंचाई सिंचाई का मतलब क्या होता है बच्चों जब भी आप खेतों में पानी देते हो फील्ड में पानी देते हो फार्मिंग लैंड में पानी देते हो तो उसे इरिगेशन बोलते हैं तो उसमें काम आ जाएगा फ्लड को कंट्रोल करेगा किसको कंट्रोल करेगा बेटा फ्लड फ्लड बोले तो बाढ़ मतलब जब पानी एक्सेसिव क्वांटिटी में गिरता है तो क्या हो जाती पूरे घर वगैरह बहने लगते हैं ना तो फ्लड को कंट्रोल करते हैं ये रिजर्वायर एफॉरेस्टेशन में हेल्प होता है और नेविगेशन कई बार आप डैम के थ्रू क्या भी कर सकते हैं नेविगेट भी कर सकते हैं यहाँ से वहाँ जाने का काम भी हो सकता है दे आर यूज फॉर पेशी कल्चर और फिश कल्टिवेशन फ़िश कल्टिवेशन के लिए पेशी कल्चर के लिए इनका यूज़ होता है टूरिज़म को प्रमोट करते हैं टूरिज़्म मैंने बताया ना हम लोग डैम घूमने जाते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं वो डिसएडवांटेज क्या है बच्चा डैम कोई छोटी जगह में नहीं बनता बहुत बड़ी जगह में बनता है जहाँ पर भी डैम बनना होता है वहाँ जितने भी इतने बड़े एरिया में जितने भी प्लांट्स ट्रीज़ होंगे एनिमल्स होंगे उन सबको वहाँ से कट करना पड़ेगा वहाँ से हटाना पड़ेगा पेड़ों को कट करो एनिमल को हटाओ और कई बार हमारी ट्राइबल कम्यूनिटीज़ भी इन फॉरेस्ट एरिया में रहती हैं उनको डिसप्लेस करना होता है उनको रिलोकेट करना होता है तो ये एक डिसएडवांटेज है पीपल हैव टू बी रिलोकेटेड टू अक्वायर एरियाज़ फॉर द प्रोजेक्ट और एक बात और सुने बेटा कि मैंने तो ट्राइबल कम्युनिटी में बोला कि इस एरिया में जितने भी जानवर हैं जितने भी पेड़ हैं जितनी भी ट्राइबल कम्यूनिटीज़ हैं जो जंगलों में रहती हैं उनकी भी उनकी ही प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ बेटा आस पास के कितनी बार हम देखते हैं सौ गाँव पचास गाँव हंड्रेड विलेज फिफ्टी विलेजेस उनको खाली करवा दिया जाता है उनको रिहेबिलेटेड करवाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है डिफोरेस्टेशन होगा मैंने भी बताया पेड़ों को काटेंगे नेचुरल वाटर बॉडीज आर डैम्ड एक्वेटिक लाइफ इज डिस्टर्बड एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है जब डैम टूट जाए तो भैया फिर तो आपके आसपास के दो चार पांच सिटीज और ज़्यादा ही सिटीज़ डूब ही जाएंगी तो डैम टूट गया तो पता नहीं क्या होगा सिल्टेशन में लीड टू uh, क्लॉजिंग ऑफ डैम्स कई बार क्या होता है सिल्ट इतना ज़्यादा जमा हो जाता है डैम्स में कि पानी तो कम सिल्ट ज़्यादा जमा हो गया फिर अगर मैं बात करूँ की कौन सी कंट्रीज में बहुत अच्छे से काम हो रहा है डैम्स के थ्रू यूके के कैनेडा जर्मनी जापान यूएसए रशिया चाइना ये इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर सेंटर्स हैं अगेन यूके यूनाइटेड किंगडम कैनेडा जर्मनी जापान यूएसए रशिया चाइना ना हमारे इंडिया के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पढ़ेंगे हम दामोदर वैली प्रोजेक्ट है दामोदर रिवर पे कहा पर है वेस्ट बंगाल में और झारखंड दो स्टेट कवर करता है भाकरण अंगल सत्रह रिवर पे बना हुआ पंजाब और हिमाचल प्रदेश को पानी देता है रिहांद, रिहांद रिवर के ऊपर बना हुआ है उत्तर प्रदेश को पानी देता है कोसी कोसी रिवर पे बना हुआ है बिहार में कोसी को हम बोलते हैं शौर ऑफ बिहार है ना पूरे बिहार को बहा देती है ये चंबल चंबल हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान को पानी देता है सरदार सरोवर नर्मदा रिवर के ऊपर है किस कहाँ पर है गुजरात में हीराकोट महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है उड़ीसा उड़ीसा में तुंगभद्रा तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है कर्नाटका में नागार्जुन सागर डेम कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है तेलंगाना है स्टूडेंट यू हैव टू लर्न दिस है ना आपकी क्लास टेंथ में जब जा आप जाएंगे तो फिर से पूरा चैप्टर आपको फिर से पढ़ना है डैम्स वगैरह फिर पढ़ने इससे बेटर है कि आप इसको यहीं लर्न कर ले अच्छा जो विंड पावर है ये भी अल्टरनेटिव सोर्स है पावर का ये प्लैन में मिलता है रिन्यूएबल सोर्स है क्लीन है पावर जनरेट कर सकते हैं हम एयर फ्लो के थ्रू टर्बाइंस जैसे टर्बाइंस होती हैं बच्चा ये चलती हैं हवा से और इनके चलने से यहाँ पर आप क्या जनरेट कर, कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल पावर इज जनरेटेड वन टर्बाइन विच टर्न्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल पावर आप जनरेट कर सकते हो विच टर्न्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि इसको टर्न करिए इलेक्ट्रिक जनरेटर को विंड पावर आप हार्नेस कर सकते हैं हम विंड पावर को हार्नेस कर रहे हैं बच्चा बहुत सेंचुरी से मील पम्प नेविगेट शिप शिप को नेविगेट करने के लिए पम्प के लिए मिल को ऑपरेट करने के लिए हम बहुत टाइम से विंड एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं नीदरलैंड में वेल नोन नदरलैंड बहुत ज़्यादा जाना जाता है विंड मिल्स के लिए दूसरी कंट्री है चाइना डेनमार्क क्योंकि यू स्पेन इंडिया में uh, जो विंड फार्मस हैं उन्हें डेवलप किया जा रहा है तमिलनाडु राजस्थान महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल एरिया का बहुत ही सस्ता सोर्स है रिन्यूएबल है है हवा कंटिन्यू चलती रहती नॉन पोल्यूटिंग है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है पर डिमेरिट है कि वन टाइम जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है हवा कंटिन्यू चलती रहना चाहिए अगर इलेक्ट्रिसिटी बने और ऐसा तो होता नहीं है कि हवा कंटिन्यू ही चलती रहेगी जो रोटेशंस है विंड टर्बाइन के वो डेंजरस होते हैं फ्लाइंग एनिमल के लिए बच्चा ये जो चक्री होती है ये कंटिन्यू घूमती रहती है और कई बार हमारे एनिमल यहाँ आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है ट्रैवल और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि रिमोट लोकेशंस में सिचुएटेड हैं जो टर्बाइन से वो जनरेट करती हैं बहुत ज़्यादा साउंड को बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है आसपास जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है so student i am ending this video here only if you have any doubt any problem do write in comment section please we'll start part 2 with non renewable resources